ठीक है, इसका लहरो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकोंडाइलिक, एक होता है डाइकोंडाइलिक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक कोंडाइल का मतलब दो। ठीक है, तो इसका में क्या होता है, देखिए यहां पर जैसे अपन ये फ्रॉक लेते हैं, इस तरह स्कल हो गया पर, ठीक है ये स्कल है। यहां पर आप देखोगे कि दो उबार पाए जाते हैं यहां पर इस तरह से, एक उबार तो ये, एक उबार ये, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है ना, और यहां पर एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना, इस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। इस छिद्र का क्या काम होता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो अपने मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो यहां से बाहर निकलती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, और ये जो फोरामेन मैग्नम से निकलेगी, और ये जो दो कॉन्डाइल है ना, इसमें जो सबसे जो पहली वर्टिब्रा होगी, इसके अंदर दो इस तरह से गर्त पाए जाएंगे, और इस गर्त से ये जो वर्टिब्रा है वो इसके अंदर दसवीं यहां से ये चिपकी हुई पाई जाती है, मतलब पकड़ है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये वर्टिब्रा है, इस तरह से जो वर्टिब्रा है ये, ठीक है ना, ये वर्टिब्रा जो है वो इसके अंदर है, इस तरह से ये पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम है ना, सॉरी जो ये मस्तिष्क से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड है वो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पैक रहती है। जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का होता है जो वर्टिब्रा होती है ना, ये वर्टिब्रा एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित रहती है, जैसे ये पहली वर्टिब्रा है, दूसरी वर्टिब्रा, तीसरी वर्टिब्रा है, ये अंदर इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने वर्टिब्रा है, तो ये जो पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शरीर के अपने जो कॉर्डल रीजन है अंत तक ये फैली रहती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो इसको अपने सुरक्षित रहती है इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। और प्रत्येक वर्टिब्रा ना, इसके बीच में एक गद्दी की संरचना पाई जाती है इस तरह से, जिसको अपन सामने वाले डिस्क कहते हैं, डिस्क, ठीक है ना। कई तरह की प्रॉब्लम आज सुनी होगी कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी, सब जैसे कई तो प्रॉब्लम होती है, कमर वाली प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, डिस्क होगी ये स्लिप हो जाती है, ठीक है ना। तो जनरली ये आगे की स्लिप नहीं होती है, पीछे जो लंबर वाली होती है ना, सबसे जो नीचे, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, ज्यादा सेकेंड डिस्क आती है, जैसे अपने कोई वजन उठा लिया है, ठीक है ना, जिसको अपन सामान्य भाषा में चड़क बोलते हैं, ठीक है ना, बोलने जाओ ना, इसको चड़क बोलते हैं, सुना चड़क, देसी भाषा इसको अपन चड़क बोलते हैं, कैसा क्या हो गया, कमर कैसे दुखी के सब चड़क पड़ गई, ठीक है, जबकि चड़क इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके कई मतलब अपने देसी या मतलब वो एक उपचार करते हैं, चाहे उसको अंधविश्वास मान लीजिए या कोई परंपरा मान लीजिए, वो एडी लगाते हैं कोई, ठीक है ना, कैसे उसकी एडी लगाओ उसे ठीक हो जाएगा, जबकि उसको होता नहीं एडी, ठीक है ना। अगर मान लो चड़क मामूली सुनी ना, वो तीन या चार या पांच दिन चाहे आप एडी दिलाओ चाहे मत दिलाओ वैसे ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मान लो चड़क ज्यादा है और आपने एडी दिला दी ना, तो हो सकता है वो डबल हो जाए, ज्यादा हो जाएगी, वो स्लिप डिस्क थोड़ी सी ना थोड़ा और सरका देगा ना, तो फिर काम ऊपर हो जाएगी एक ऐसे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, ठीक है। डिस्क क्या होती है कि ये जो डिस्क है वो यह इस तरह से बाहर आ जाती है, यहाँ से बाहर आ गई और इधर से ये खाली हो जाती है, इधर से इतनी सी डिस्क स्लिप होगी बाहर आ जाती है इधर से। तो जैसे ये बाहर आती है ना, तो इससे कहीं एक स्पाइनल कॉर्ड से कई नर्व निकलती है, इस तरह से कई सारे नर्व निकलती है, ठीक है ना। ये नर्व निकलती है जो क्या करती है, या तो हाथों में आती है या फिर पैरों के अंदर जाती है, ठीक है ना। तो कईयों के हाथों में भी पैर होता है, कई है ना, कई लोग कहते हैं मेरा हाथ यहाँ ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको बोलते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम, कई होते हैं ना, जो बेल्ट लगा के रखते सिर्फ अपने गले के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, जो यहाँ पर जो है ना, ये जो नर्व इस पर प्रेशर आ जाता है ना, तो हाथ नहीं, हाथ ऊपर उठना या बहुत जबरदस्त दर्द पैर होता है, तो इसको बोलते हैं अपने सर्वाइकल प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सर्वाइकल जो ये जो है ना बड़े इसके नीचे जो डिस्क है ना वो स्लिप हो जाती है, इस पर प्रेशर पड़ने लग जाता है नर्व के ऊपर, और लंबर के अंदर अगर प्रेशर पड़ता है तो पैरों के अंदर प्रॉब्लम आती है, चाहे लेफ्ट पैर हो चाहे राइट पैर हो, एक पैर, ठीक है ना। तो उसमें क्या नस जबरदस्त खिंचाव होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा होने से क्या पैर के नीचे जमीन टिकते ही फिर शरीर थोड़ा सा झुकने लग जाता है, ठीक है, फिर उसके ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसको, ठीक है ना। पर इसका ये है कि बेड रेस्ट किसी में करना पड़ता है, कुछ ज्यादा इलाज नहीं इसमें, क्योंकि मेडिसिन कोई काम करती नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हुई।
ठीक है ना। तो एक तो है मोनोकोंडाइल, एक डाइकोंडाइल, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीपिटल कोंडाइल दो हो गए तो हो गए डाइकोंडाइल। यदि मान लीजिए ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक ही है ये, ठीक है ना, ये हो गया फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना, ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल यहां एक ही पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं मोनोकोंडाइलिस। यदि स्कल के अंदर है ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकोंडाइल। अगर स्कल के अंदर जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल दो हो तो उसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है ना। अब रही बात मोनोकोंडाइल डाइकोंडाइलिक, तो इसके अंदर जो है एक है फॉल ले लीजिए या इमेज ले लीजिए या पहले रेप्टिल ले लीजिए, वेरनस ये रेप्टिल है, इसके अंदर जनरली मोनोकोंडाइलिक स्केल होगा और कोलम्बा या फॉल जिसको अपन एवीज के अंदर रखते हैं ये होंगे मोनोकोंडाइलिक स्केल होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। कोंडाइल्स होंगे दोनों तरफ हो तो डाइकोंडाइलिक, केवल सेंटर में एक हो तो मोनोकोंडाइलिक, वो भी दिखा देगा आपको प्रैक्टिकल में। और जो डाइकोंडाइलिक स्केल है ना इसका उदाहरण होगा एक तो फ्रॉग यानी कि एम्फीबिया और या फिर मैमल या रैबिट, ठीक है। तो आप स्कल पहचान जाओगे कि साहब ये रैबिट का है या फॉल का है, ठीक है। ये तो बेस ये हो गया, आप कोंडाइल देख लीजिए, ठीक है ना। आपने कोंडाइल देखे दो है तो आप क्या कहोगे ये तो फ्रॉग का हो सकता है या फिर रैबिट का हो सकता है, मतलब अनुमान हो गया आपका कि दो है दो में से एक होगा। अगर मोनोकोंडाइल स्केल है तो आपको ये तो वेरनस का हो सकता है या फिर फॉल का हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्लियर करना है कैसा कि वेरनस का है या फॉल का है, ठीक है। अब आप क्या करोगे उसके टीथ देखोगे, मुंह के जो दांत है ना दांत देखोगे, ठीक है। तो ये जो वेरनस है इसके अंदर क्या है कि होमोडॉन्ट टीथ पाए जाएंगे, होमोडॉन्ट को समझते हो, सभी दांत है समान आकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर सभी दांत है जो दो प्रकार के होते हैं या तीन, ये इंसिजर कैनाइन प्री मोलर पोलर सॉरी मोलर ये अलग अलग कैटेगरी होते हैं तो उसको हेट्रोडॉन्ट, ठीक है ना। तो अगर टीथ होमोडॉन्ट हो तो वो हो जाएगा वेरनस का यानी कि इस रेप्टिलिया का। और एविज के अंदर टीथ किस प्रकार के होंगे, हेट्रोडॉन्ट, कौन सा होमोडॉन्ट होगा हेट्रोडॉन्ट होते नहीं, नहीं होते तो क्या होती है चौंच, ठीक। तो इसके अंदर है टीथ एब्सेंट हो गए और उसके आधार पर यहाँ पर बीक पाई जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसकी चौंच देख लोगे तो एक काम चल जाएगा भाई मोनोकोंडाइलिक है चौंच है तो हो गया बक्सी, और अगर मान लो चौंच नहीं है होमोडॉट है, ठीक है, या मोनोकोंडाइलिक है तो हो जाएगा वेरनस, ठीक है। अब आइए फ्रॉग के अंदर, यदि इसमें जो टीथ है होमोडॉट हो तो क्या हो जाएगा एम्फीबियन या फ्रॉग हो जाएगा, और मेंबर्स के अंदर हेट्रोडॉन्ट, इसमें होने हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट हो गए तो ये क्या हो जाएगा मेंबर्स का रिपीट हो गया। तो अगर पास चार स्कल रख दिया आपके पास सामने आप पहचान सकते हो भाई किस संदेह के, पहले क्या करोगे उनके कोंडाइल देख लीजिए, ठीक है ना। तो मोनोकोंडाइल को आप दोनों को अलग कर दो, डाइकोंडाइल को अलग कर दो, ठीक है। मोनोकोंडाइल अलग किया फिर आप देखिए चौंच किसमें है, चौंच इसमें है तो ये हो गया इसका, और जिसके चौंच नहीं है तो हो जाएगी
फिर आप डाइकोटर अलग किया, डाइकोट आप देख लेंगे हेटरोडॉट है तो ये, और हेटरोडॉट नहीं है होमोडॉट है तो ये फ्लोर। इस तरह से आप इसको आप आइडेंटिफाई अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन है ऑस्टियोलॉजी का।